نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے حضرات پیار شوق و محبت کے ساتھ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه میرے انتہائی قابل قدر علماء کرام اور میرے انتہائی معزز مسلمان بزرگوں بھائیوں اور عزیز طلبہ میں سب سے پہلے تو حضرت مولانا مفتی محمد فرید خان صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس بابرکت اور مبارک اجتماع میں ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا وہ ذریعہ بنے سب کو دعوت دی مجھے بھی دی تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک محفل کی برکات سے ان کی دعوت کی وجہ سے انشاءاللہ ہم بھی مستفید ہوں گے بچوں خاموش رہو اچھا گڑبڑ نہیں کرنی بات ذرا غور سے چلو میں انشاءاللہ دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا مختصرا کیونکہ آپ حضرات مغرب سے بیٹھے ہوئے ہیں اور عمل کرنے کے لیے جو اس سے پہلے حضرت مولانا محمد ادریس حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ماشاءاللہ لوگ ان کو مجاہد اسلام کہتے ہیں اور وہ حقیقتاً بھی ہے ہر جگہ پہنچتے ہیں حق بات کہتے ہیں کرتے ہیں ان کی باتیں آپ نے سنی اور ہمارے انتہائی محترم بھائی حضرت مولانا زیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو ہر لحاظ سے ایک کامل انسان ہے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے علم کے حوالے سے اور حوالوں سے انہوں نے بڑی پرمغز باتیں آپ کے سامنے رکھی تو عمل کے لیے تو چند باتیں ہی کافی ہوتی ہیں اور میرا اپنا تو ذوق یہ ہے کہ کسی ایک مجمع میں
या एक इस तरह के महफल में किसी एक आलिम का तफसीली बयान होना चाहिए, बस, ताकि लोग उस बयान को लें और लेकर के फिर अपनी अमली जिंदगी में उससे कुछ बातें लेकर के उस पर अमल करें। लेकिन बहरहाल हमारे यहाँ बयानात ज्यादा होते हैं, अच्छी बात, ये भी अच्छी बात है। मेरे मुअज्जज मुसलमान भाइयों, उलमा तो मेरे मुखातब शायद नहीं है, लेकिन मैं दो तीन बातें अर्ज करना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब के हवाले से, जो उनका एक तरीका है और तरीक़ेकार है किताब को मुरतब करने का और रहा है, मैं बैठा हुआ था कि मैं उससे अपने लिए, आप हज़रात के लिए एक इंतहाई मुफीद बातें हैं जो मैं समझता हूं कि आपके सामने रखूं, और वो बातें हमारी जिंदगी की जरूरत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में लिखा है और उस किताब में ये बात मौजूद है कि उनकी पहली हदीस जो वो लेकर के आए हैं वो हदीस है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि इंसानों के आमाल का दारोमदार उनकी नियत पर है। ये पहली बात। उसके बाद फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अगला जो अनवान कायम किया है, जिसको हमारे यहाँ उलमा की इस्तिलाह में बाब कहा जाता है, वो फिर है कैफ कान बदुल वही, वही का आगाज कैसे हुआ, ये दूसरी बात है। और आखिर में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जब सारी बातें नकल करके उस पर अहादीस ला करके बेशुमार किस्म के मसाइल का तज़किरा करके जब किताब को ख़त्म फरमा रहे होते हैं, तो आखिर में फिर वो तज़किरा फरमाते हैं वज़न आमाल का, वनज़अ अल-मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौम अल-क़ियामा, कि क़यामत के दिन लोगों के आमाल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि हम तराजू रखेंगे, उनके आमाल को तोलेंगे। ये जो क़यामत के दिन वज़न आमाल होगा, तो वज़न आमाल में देखा जाएगा कि इस शख्स की नीयत क्या थी। ये बुनियादी बात है। और वज़न आमाल में फिर देखा जाएगा कि इस शख्स का अमल वो उस वही के मुताबिक कितना था जो वही जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से लेकर के आए थे, सहाबाए किराम ने उसे महफूज किया, उम्मत तक पहुंचाया। आज मेरे भाइयों, हमारा ये सच्चा अकीदा है कि हमारे पास जो दीन मौजूद है कुरान करीम की शक्ल में, अहादीस की शक्ल में, उलमा ने जो उससे मसाइल मुस्तंबत किए हैं उसके शक्ल में, वो सारा सच्चा दीन है। और उस दीन के अंदर कोशिशें बड़ी की गई हैं कि रद्द बदल की जाए, उसके अंदर तब्दीलियां लाई जाए, लेकिन आज तक बड़े बड़े फितने आए हैं, बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, आज भी हैं, पहले भी थे, आइंदा भी होंगे, लेकिन इस दीन के अंदर वो कोई तब्दीली नहीं ला सका अहकामात में। आज 1400 ये 43वां हिजरी साल है, आज तक
कुरान करीम में एक जबर जेर की कोई तब्दीली नहीं कर सकता। और मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि कुरान करीम की हिफाजत तो हुई ही हुई है, लेकिन अहादीस मुबारका की जो हिफाजत इस उम्मत के अफराद ने की है वो भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जिंदा मौजज़ा है। दुनिया में पहले अंबिया भी गुजरे हैं, लेकिन ये वाहिद इंसान है अंबिया अलैहिस्सलाम में भी के जब से अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाया आज तक ये जितना लंबा अरसा गुजरा है दुनिया की कोई ताकत जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में कोई रद्द बदल नहीं कर सके। जैसे सहाबा ने नकल किया उसके बाद ताबईन ने, तब ताबईन ने, आज तक अहादीस की किताबें भी उसी तरह महफूज है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, एक बात समझाना चाहता हूं आपको, अपने आप को, सबको, कि हम जो यहां बैठे हुए हैं, जमा है, नमाजें पढ़ते हैं और नेक आमाल करते हैं, उसकी बुनियाद ये है कि हमारा अकीदा ये है कि हमने क़यामत के दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना है, यही बात है। और क़यामत के दिन वज़्न आमाल होगा, आमाल को तोला जाएगा। कैसे तोला जाएगा इसकी अपनी तफसील है, लेकिन आमाल को तोला जाएगा। आमाल के अंदर वजन जो आता है और आएगा मेरे भाइयों, वो आता है नियत से, और वो आता है कि ये अमल जो ये इंसान कर रहा है, इस ये अमल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक है या नहीं, ये वजन होगा। आप हजरात ने उलमा से सुना होगा कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहू अशरु अमसालिहा, जो शख्स एक नेकी करके आएगा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उसको उसके बदले में 10 गुना बढ़ा करके अजर दूंगा। अच्छा, तीसरे पारे में है कि फिर वो 10 गुना से बड़ा बड़ा करके, उसमें फिर ये है कि 700 तक भी अल्लाह ताला अजर बढ़ा देता। अब ये जो एक के बदले में एक ने किया 10 ने किया और फिर अल्लाह ताला उसको बढ़ाते हैं, इस नेक अमल का जो अजर बढ़ता है, इस नेक अमल के अजर के बढ़ने का ताल्लुक भी इंसान की नीयत और इंसान के अमल के इस कैफियत के साथ है कि वो सुन्नत की के कितना मुताबिक है और वो अमल सुन्नत से कितना दूर है। ये मेरे भाइयों, हम जो सुबह उठते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक हम कुछ काम करते रहते हैं, नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, तिलावत कर ली, बाद लोग नहीं करते। अब ये जो हमारा अमल है अगर ये सुन्नत के मुताबिक है और सुन्नत के मुताबिक जितनी हम कोशिश करेंगे उतना ही हमारी जिंदगी के ऊपर उस अमल का असर मुरतब होगा। अब मसलन हम मदरसे चलाने वाले जो उलमा बैठे हुए हैं, अगर हम मस्जिद बनाने वाले, कोई और खैर के काम करने वाले, देखिए अल्लाह ताला की तरफ से बरकत तब आती है जब उस काम में इंसान अपनी नीयत भी साफ रखे और अमल फिर ये देखना शुरू कर दे कि ये अमल जो मैं कर रहा हूं इसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने, खुलफाए राशिदीन ने क्या किया है। ये सारे कामों में, ये मस्जिद बनाने में भी है, मस्जिद चलाने में भी है,
मदरसा बनाने में भी है, चलाने में भी है, तबलीग के काम में भी है, जिहाद में भी है, नमाज में भी है। और उलमा ने लिखा है कि दीन का, दीन के अहकामात का खुलासा बनता है पांच चीजें: अकायद, इबादात, मुआमलात, मुआशरत और अखलाक। इन सारी चीजों में ये देखना होगा कि मेरी नीयत क्या है, और ये देखना होगा कि मैं अमल सुन्नत के मुताबिक कर रहा हूं या नहीं। मसलन हमारा जिस्म है, या अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर हमारे हजरात दाढ़ी वाले नजर आते हैं, ये सुन्नत है और उलमा ने इसको वाजिब के करीब लिखा है, क्योंकि वाजिब लिखा है। अब देखिए ना, अगर हमारा ये जिस्म, इसके ऊपर हम जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को लागू नहीं कर सकते, सुन्नत के मुताबिक हम दाढ़ी नहीं रखते, तो मेरे भाइयों, कल क़यामत के दिन जब हमारा वज़न आमाल होगा, बाज उलमा ये फरमाते हैं कि इस शख्स को तोड़ा जाएगा। ये जो इंसान है ना, एक कौन ये कि ये इंसान तोड़ा जाएगा, अगर इस इंसान का जिस्म वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मौत तो किसी वक्त भी आ सकती है, तो ये इंसान जिस तरह इसका इंतकाल होता है, ये वैसे उठाया जाएगा क़यामत के दिन, वैसे ही उठाया जाएगा। शहीद के बारे में आता है कि शहीद जब उठाया जाएगा तो उसके जिस्म से खून निकल रहा होगा, रंग तो उसका खून का होगा, लेकिन उसकी खुशबू किसकी होगी, मुश्क की होगी। तो मेरे भाइयों, ये आज हम सबक लेके जाएं कि मैं अगर आज रात को मर जाता हूं और मेरी जिंदगी सुन्नत के मुताबिक नहीं है, बल्कि मेरा जिस्म सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मेरे बाल, आजकल बड़े अजीब अजीब हमारे बच्चों के बाल जो है, वो अहादीस में एक तस्किरा आता है ना कज़ा का, कि वो लोग करते थे, पागल थे वो जमाने जाहिलियत के लोग, आधे बाल काट दिए आधे रख दिए। अब हमारे बच्चों ने ही शुरू कर दिया, ये आधे सर के बाल काट दिए और कुछ छोड़ दिए, यानी बिल्कुल ऐसे लगते जैसे पागल हो। लेकिन हुआ ये कि हमने सुन्नत को छोड़ दिया अपनी जिंदगियों में। तो मेरे भाइयों, मैंने ये बात इसलिए कही कि आखिरत के लिए ही हम सब पैदा भी हुए हैं, और आखिरत में हमने हर सूरत में जाना भी है। हमारा अकीदा है, सच्चा है, कि फिर वज़न आमाल होगा, तो हम अपनी नीयतें भी ठीक करें, और उसके साथ साथ ये कि अपने आमाल को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें। खाना हम खाते हैं, अब अगर सारे घर वालों को बिठा करके सबको याद दिलाया जाए कि जी सुन्नत तरीके के मुताबिक खाना हम कैसे करें, बैठेंगे कैसे, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह कैसे पढ़ेंगे, खाने के अंदर बरकत कैसे आएगी। मैं अपने हमेशा तबलीगी साथियों से कहा करता हूं कि हम जब तबलीग में चले जाते हैं, वहां तो कहते हैं ना मुजाकरा कर लो, खाने का मुजाकरा कर लो, इसका मुजाकरा कर लो, ये असल में वहां तो सिर्फ मशक करवाई जाती है कि आपने घर आकर के फिर ये सारे काम करने। इसका ये मतलब नहीं है कि 40 दिन में, 4 महीने में या साल में हमने ये काम कर लिए और वापस आ गए तो खत्म हो गई बात, नहीं। वो एक मश्क करवाई जाती है कि आपने ये काम अब सारी जिंदगी करना है। तो मेरे भाइयों, एक तो हम ये सबक आज लेके जाएं कि अपनी जिंदगी को, अपने आमाल को और अपने जिस्म को सुन्नत के मुताबिक बनाने की कोशिश करें, करेंगे ना इंशाअल्लाह। तो जिन हजरात की दाढ़ियां नहीं है, वो आज इरादा करें, रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, बड़ा ही मुबारक महीना है। और हदीस में आता है, जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का जो मफहूम है कि जो रमजान मुबारक की खैरों और बरकतों से महरूम रहा, या लैलतुल कदर की रहमतों और बरकतों से महरूम रहा, तो वो हकीकी महरूम होगा। तभी तो
چند ہی دن باقی ہے, آج غالباً کوئی 16 تاریخ ہے 17, تو یہ اتنے تھوڑے سے دن ہیں. اور پھر یہ جو دو مہینے ہیں رجب اور شعبان کے دو مہینے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان, کہ اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمیں برکت عطا فرما دیں اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ نصیب فرما دیں. علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو مہینے استقبال رمضان کے ہیں, یعنی رمضان المبارک کی تیاری کے ہیں. تو میرے بھائیوں, آج سے ہم یہ عہد کر لیں کہ اب تک اگر کوتاہیاں ہوئی ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کریں گے, دور کریں گے نا انشاءاللہ, ان کوتاہیوں کو دور کریں گے. اگر نمازوں کی پابندی نہیں تھی تو نمازوں کی پابندی کریں گے, اور جہاں جہاں بھی وقت نہیں ہے, بہت سارا وقت ہو چکا ہے, اعمال کے اندر جہاں جہاں کمی ہے ان کمیوں کو, اچھا یہ علماء کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, میں نے اپنی مسجد میں لوگوں سے میں کہتا ہوں, میں نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں لیتا, مجھے 80,000 تنخواہ دیتے ہیں وہ, الحمدللہ ہماری مسجد کے لوگ, اور کبھی میں نے مطالبہ نہیں کیا, میں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا, وہ خود دیتے ہیں, خود دے رہے ہیں, سارا نظام یہ الحمدللہ میرے پاس ہے, لیکن ہم نے بڑا اس کو صاف ستھرا رکھا ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے جو تنخواہ لے رہا ہوں یہ تنخواہ نماز پڑھانے کی نہیں ہے, یہ میں آج آپ لوگوں سے نہیں کہتا ہوں. ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایک عالم اگر کسی, یہ جو کمیٹیاں بن گئی نا, یہ شیطان کا چرخہ ہے, میں کہتا ہوں یہ کمیٹیاں جو ہے. مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں جی آپ کہاں تھے, بھائی تم کون ہوتے ہو, آپ کو یہ اختیار کس نے دیا, ہاں مولانا صاحب کا, مولانا صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نمازوں کا انتظام کرے قاری صاحب کے ذریعے سے, کسی اور ذریعے سے. لیکن تو میں نے لوگوں سے کہا, میں نے کہا مجھے تنہائی نمازیں پڑھانا, میں اس کو سعادت سمجھتا ہوں, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نمازیں پڑھائی ہیں, یہ سعادت والی بات ہے, لیکن میں اس کی تنخواہ نہیں لیتا, میں تنخواہ لیتا ہوں یہاں پر رہنے کا, کہ میں آپ کے محلے میں بحیثیت ایک عالم کے رہتا ہوں, جب آپ کو کسی مسئلے کی ضرورت ہوگی تو آپ آگے مجھ سے پوچھ لینا. اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی ایک علاقے میں ایک مستند عالم کا ہونا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے, میں تو اس کی تنخواہ لیتا ہوں, آپ کو جب بھی مسئلہ ہو آپ کو پوچھ لیا کریں. ہمارے لوگ علماء سے آگے مسائل نہیں پوچھتے کہ مجھے نماز سکھا دو, مجھے جی کوئی اور کام جو ہے نا میرا یہ عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں, زیادہ سے زیادہ طلاق کے مسائل پوچھتے ہیں. اور اگر کسی مسجد میں کوئی کمیٹی میں آ گیا وہ تو پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اب مولوی صاحب تو میرے ملازم ہیں, لہذا اب تو میں مولوی صاحب سے پوچھوں گا کہ جی آپ کہاں تھے, آپ نے جو ہے ٹوپی کیوں پہنی ہوئی ہے, آپ نے یہ کام کیوں کیا ہوا ہے. تو میرے بھائیوں, میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں, میں طنز نہیں کر رہا, کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں, تعلق رکھیں. اگر اس علاقے کے لوگ مفتی فرید صاحب سے اور یہاں کی علماء سے اور ہم بھی ٹھیک ہو جائیں, یہ بھی شرط ہے, میں معذرت کے ساتھ علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ہم بھی ٹھیک ہو جائیں, ہماری نیت بھی ٹھیک ہو, ہمارا عمل بھی سنت کے مطابق ہو, اور قوم کو ہم اس کی دعوت دیں. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ محلے, یہ مسجدیں, یہ جنت کا نظارہ پیش کرتے ہیں, یہ میں نے خود دیکھا ہے. ہمارا جہاں مدرسہ ہے الحمدللہ وہاں 1300-1400 طلبہ پڑھتے ہیں, میں ہمیشہ محلے کے لوگوں کو بلاتا ہوں باقاعدہ, اور بلا کر کے ان سے پوچھتا ہوں, یار مجھے تو نہیں پتا چلتا کیونکہ میں اکیلا آدمی ہوں, یا 1400 لوگ رہ رہے ہیں, آپ لوگوں کو ان میں سے کسی سے کوئی تکلیف ہے یا نہیں. ہمارے بالکل پڑوس میں جو ہمارے ساتھی رہتے ہیں, حالانکہ ان کا مسلک بھی اور ہے, وہ بریل بھی ہے, لیکن میں ان سے ہمیشہ پوچھتا ہوں, وہ کہنے لگے کہ جب سے آپ لوگ آئے ہیں
हम औरतें और मर्द सब ने सब अपने आप को महफूज समझते हैं। तो मेरे भाइयों, मैं उलमा से भी माजरत के साथ और अपने मुसलमान भाइयों से कि हमारा जो रिश्ता है आपस में वो है कि हमारी नीयत ठीक हो, हमारा अमल वो सुन्नत के मुताबिक हो। मेरे भाइयों, वो आपको डॉक्टर नहीं सिखाएगा, वो आपको वकील और इंजीनियर नहीं बताएगा, वो आपको एक आलिम और मुफ्ती बताएगा कि आपका अमल सुन्नत के मुताबिक है या नहीं। लेकिन उससे पहले आलिम के लिए भी जरूरी है कि वो अपने आप को सुन्नत के मुताबिक डालने की कोशिश करे। ये एक बात जो मैंने अर्ज करनी थी वो ये। दूसरी बात ये कि यहाँ मदरसा है। देखिए, ये जो मदारिस है, मदारिस जो है, ये जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, इनके वालिदैन की नीयतों पर भी जो हमारे अहले मदारिस है उनको काम करना चाहिए ताकि उनकी नीयत अच्छी हो, फिर इन बच्चों की तरबियत हो। ये बच्चे तो जिस आलिम के पास है वो तो उसकी जिम्मेदारी है, वो कितनी अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है कितनी नहीं करता। मैं अपने आम मुसलमानों की बात करूं कि आम मुसलमानों से ये मेरी दरख्वास्त है कि ये बच्चे इंतहाई अजीब बच्चे हैं, ये इस उम्मत के वीआईपी बच्चे हैं। और ये मैं नहीं कहता बल्कि ये बात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है, अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के अशराफ, मेरी उम्मत के मुअज्जज लोग, मुहतरम लोग वो कौन है? जो कुरान करीम को हासिल करने वाले, कुरान करीम को पढ़ने वाले। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्ताद और शागिर्द दोनों को शामिल किया, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा, कि तुम में बेहतरीन वो हैं जो कुरान करीम पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, हम इनसे मोहब्बत रखें, उलमा से मोहब्बत रखें। और अभी वक्त नहीं है हमारे किसी, मैं अपने मुफ्ती साहब से आरज करूंगा कि आइंदा ऐसा इज्तिमा हो तो लोगों में वजूहात तकसीम करें, एक साथी एक पे बात करें, दूसरा साथी किसी और पे बात करें, ताकि लोग उससे फायदा उठाएं। ये जो हमारे यहाँ उलमा से मुताल्लिक बदगुमानियां होती है, चिमिगुइयां करते हैं, पूछते नहीं आकर के कि ये आलिम किस तरह रह रहा है। मेरे भाइयों, बदगुमानियों से बचो, बदगुमानियों से बचे। और अगर कोई बात दिल में आ गई है तो आकर के अपने आलिम से, इमाम से पूछो कि मेरे दिल में ये बात आई है, इस तरह दिल साफ रहेंगे और हमारी जिंदगियां वो जिंदगियां बनेंगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया को तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा किया, लेकिन तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरत के लिए पैदा किया। हमारी जिंदगी का मकसद वो आखिरत बन जाएगा, और जब वो आखिरत बनेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में हमें राहत दे देंगे और आखिरत में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नजात अता फरमाएंगे। आखिरी में बात यह अर्ज करूं, ये जो बात होती है ना ताउन की, ताउन सिर्फ पैसों की नहीं होती, ये बात याद रखें। ताउन जो है दुआ की है, ताउन इन बच्चों को उलमा को अच्छी निगाह से देखना है, इनको मोहब्बत की निगाह से देखना है। मैं लोगों से कहता हूं कि जहां कुरान करीम पढ़ाया जाता है वहां अल्लाह ताला की रहमतें होती हैं। एक आदमी आता है आके हिफ्स की क्लास, नाजरे की क्लास किसी मदरसे को, बच्चों को देखता है, खुश हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पर इसको अजर अता फरमाता है। देखिए हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में मरदुल वफात में बहुत सारी बातें हैं उसमें, लेकिन एक बात में नकल करना चाहता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें पढ़ाते थे, मरज में भी आते रहे, लेकिन एक दिन आपने पर्दा उठा के देखा, आ नहीं सकते थे, और सहाबा को देखा कि सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, जमात हो रही है, आप सब खुश होते थे कि जिस काम के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा था
मेरी उम्मत के अफराद और लोग उस काम पे लग चुके हैं। तो मेरे भाइयों, ये जो बच्चे पढ़ते हैं, अपनी जिंदगियां लगाते हैं, हम जब आकर के इनको देख के खुश हो जाए और किसी आलिम से बैठ के उसकी हौसला अफजाई कर दें, इस पर बड़ी आदीस है, हौसला अफजाई करने पर बड़े वाकयात हैं। तो इंशाल्लाह इस मुबारक अमल में हम भी इंशाल्लाह शरीक होंगे और कल जब ये एजाज के साथ उठाए जाएंगे, हमारी इनके साथ मोहब्बत होगी। तो अहादीस से ये बात मिलती है कि जिनकी दुनिया में जिसके साथ मोहब्बत होगी, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन लोगों का हशर भी उनके साथ फरमाएंगे। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज की, एक तो मदारिस के हवाले से, उलमा के हवाले से अपने जहन साफ रखें, बिल्कुल साफ सुथरे रखें। इस जमाने में अगर कोई शख्स मस्जिद में रह रहा है, नमाजें पढ़ा रहा है, छोटी मोटी उसी गलती हो जाती है, होती है, ये नहीं कि नहीं हो सकती, लेकिन मैं बात आखिर में ही अर्ज करूं, ये 15वीं सदी है और हर तरफ फितनों का आग है। उस आग में हम कहें कि मौलवी साहब तो सहाबी बन जाए और हम आग में उस फितनों की आग में जलते रहे, तो कैसे होगा? जाहिर है कि ये कुछ ना कुछ मस्जिद भी मुतासिर होगी, मदरसा भी मुतासिर होगा, ये मौलवी साहब भी मुतासिर होंगे। तो इसलिए पहले अपने गरेबान में जानना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूं। तो इंशाल्लाह जब हम अपने गरेबान में जान करके अपने बारे में सोचना शुरू कर देंगे, तो फिर दूसरे के बारे में सोचना सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, बल्कि इंसान अपने बारे में पूछता रहेगा कि मैं कहाँ खड़ा हूं। अच्छा, इसका भी अहादीस में वाकई आता है ना, आप जरा आपने सुना होगा, इससे उलमा ने मसाइल निकाले हैं। हजरत हंजला रजी अल्लाह तआला अन्हु का एक मरतबा कहने लगे कि जी मैं मुनाफिक हो गया हूँ, नाफ़क हंजला। हुआ ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होते थे तो सहाबा किराम के ऊपर बहुत ज्यादा असर होता था, घर चले जाते थे तो जाहिर है कि बीवी बच्चे होते थे, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, हंसी मजाक, उनको उनका हक भी है। तो कहने लगे कि ये जो मेरी कैफियत बदल जाती है, इसका मतलब ये कि ये निफाक है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने पूछा, क्या कैसे मुनाफिक हो गए? ने बात बता दी तो कहने लगे कि हमारे साथ भी होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, जब वो सहाबा वहां गए तो आपने फरमाया कि ये तो वक्त वक्त की बात होती है, और अगर तुम्हारा तुम्हारी कैफियत सारा वक्त वो रहे जो मेरे पास होता है, तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करने लग जाए। तो मेरे भाइयों, हालात हर इंसान पर आते हैं, लेकिन हमारे यहां शैतान जो है ना, ये पीछे पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है कि जी ये मौलवी साहब और ये तालिब इल्म और ये इस पर भी कुछ बातें हैं कि जिस मस्जिद में मदरसा हो और नमाजें भी हो रही हो और तबलीग का काम भी होता हो, इस मस्जिद की पूरी मुशाबहत जो है मस्जिद नबवी के साथ हो जाती है। तो हम इन सारी बातों को लेकर के अपने यहाँ आज लेके जाएं, एक तो नियत साफ हो, अमल के बारे में पता हो कि वो सुन्नत के मुताबिक है या नहीं, तब जाके बसरे आमाल में उसका असर होगा, और उलमा से तलबा से मोहब्बत रखें और इनको मोहब्बत की निगाह से देखें। इंशाल्लाह कल क़यामत के दिन जब हम उठेंगे तो हमारा हशर भी इंशाल्लाह इन मासूम बच्चों के साथ और उलमा के साथ, चूंकि हमारी मोहब्बत नेकनीयत ही पर होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें उसका आखिरत में अजर जरूर अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबके बैठने को कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत आप जितने भी हम आए हैं सबके आने को मुबारक फरमाए और इसको हमारी जिंदगियों के बदलने का जरिया बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।